रूहानियत में दृढ़ यकीन बहुत बहुत बड़ी बात है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं आता, इंसान को वो नजारे निज धाम सचखंड सतलोक अनामी नजर नहीं आता। और दृढ़ यकीन आ गया तो इस धरती पे कदम कदम पे निज धाम नजर आने लगता है और आदमी उसमें रहने लगता है। तो ये तो भाई अपने यकीन की बात है। ऐसा दृढ़ यकीन हो, ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि इंसान मालिक सतगुरु अल्लाह राम के बिना किसी भी नजर न रखे, उस मालिक से प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, उसकी बनाई औलाद जितनी भी दुनिया है सबसे बेगर्ज प्यार करे, बेगर्ज मोहब्बत करे, निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ बेगर्ज प्यार। सत्संग में पीर फकीर बताते हैं और जो सुनते हैं मानते हैं यकीनन उन पे ही मालिक का रहमो करम बरसता है और वही खुशियां लूटते हैं। तो अगर आप परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करना चाहते हैं, अगर उसकी दयामय रहमत के लायक बनना चाहते हैं तो आप अपने अंतकरण की सफाई कीजिए, थोड़ा सुमरन के आदि बन जाइए, जरूर अपना लो इसको। तो आप कहीं भी रह रहे हो, अपने घर में, परिवार में, नजदीक दूर, यकीन मानो मालिक के नजारे बरकरार रहेंगे, कभी आपसे दूर नहीं होंगे। सुमरन जरूरी है इस कलयुग में, दृढ़ यकीन को थामे रखने के लिए, दृढ़ यकीन को बनाए रखने के लिए सुमरन जरूर करो। उसके लिए लेट के बैठ के काम धंधा करते जैसे मर्जी करो, और सुबह शाम अगर बैठ के करते हो तो यकीन मानो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, दृढ़ यकीन आता जाएगा और मालिक के नजारों में आपका दिलो दिमाग ऐसा सुकून हासिल करेगा, ऐसी लज्जत हासिल करेगा जो आपने कभी जन्म में सोची भी नहीं होगी, ली तो क्या होगी। सतगुरु के प्यार मोहब्बत की दुनिया ही अलग होती है। ये त्रिलोकी एक अलग चीज, बेपरवाह जी फरमाया करते, सारी दुनिया एक पास से, मेरा सतगुरु प्यारा एक पास से। उसका मतलब समझ तभी आता है जब आदमी इसका एहसास करता है, जब सतगुरु के उस दायरे में रहता है, उस प्यार मोहब्बत में रहता है और उससे हटके फिर दुनिया में आता है तो पता चलता है यार ये क्या हुआ, ये कौन सी दुनिया है। हालांकि वहीं जन्म हुआ होता है, वहीं बड़ा होता है, रहता है, लेकिन जब प्यार इश्क के दायरे में रहता है तो रूह को पल पल पे निज धाम के नजारे मिलते हैं। सुमरण किया तो एहसास होता है, दृढ़ यकीन तो एहसास होता है, जब दुनिया में वापस लौटता तो भी एहसास होता है कि नहीं ये दुनिया कोई और, मालिक के प्यार मोहब्बत की दुनिया कोई और है। तो सुमरण, सेवा, दृढ़ यकीन, ये रूहानियत के गहने हैं। दृढ़ यकीन के साथ अच्छाई नेकी पे चलते जाइए, यकीन मानिए आपका घर खुशियों का आलम बन जाएगा और शरीर में रहमो करम की बरसात होती रहेगी।